और आपका भी जितना बकाया था ना हिसाब करके मुझे दे दिया। ये देखिए, कभी भी हम दोबारा आपकी चौखट पर नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो वो आप आएंगे हमारी चौखट पर। और भाई ये तुम्हारे पैसे भी तुम्हें देने थे, ये लो। ये लीजिए सेठ जी, संभालिए अपने 20,000 रुपए। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। गीता जी, मैं आपके बारे में इन सबको बता चुका हूँ और इन सबके बारे में आपको। अब आप आगे रंजना जी को बता दीजिए। हेलो रंजना जी, ये मेरी सहेली अंजना है। हेलो, हाय हाय। हमने साथ में लॉ किया है, अब ये भी हमारे साथ रहेगी। ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि ये हमारे साथ रहेंगी। और कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं भी आपको बता दूं, ये भवानी है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, हम लोग साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं। अब ये हमारे साथ ही रहेंगी। चलिए, ये तो इतना शॉर्टकट में था, बाकी की बातें हम सब बाद में करेंगे। अभी मैं असली बात पे आता हूं, बैठिए प्लीज। देखिए, मिल का काम तो चलता रहेगा। हमने जो हमारा साक्षरता मिशन का आगाज किया है उसे अंजाम तक कैसे पहुंचाना है। भवानी ने मुझे काफी अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। अब तो अंजना जी भी हमारे साथ हैं, तो क्यों ना हम हमारे साक्षरता मिशन के अभियान को जोर शोर के साथ शुरू करें। वेरी गुड पॉइंट, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही कहने जा रही थी। बस्ती में बच्चों का स्कूल तो शुरू हो चुका है, बस अब प्रौढ़ शिक्षा का काम बाकी है। ये हम कल से शुरू करेंगे। कल से शुरू? मैं और कृष्णा तो घर पर ही हैं। हम लोग आज से शुरुआत कर देते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर आप जैसी बहनें हमारे साथ हैं तो हमारा काम तो और भी आसान हो जाता है। मैं एक बात तो बताने ही भूल गई, मम्मी ने कहा था कि हमारे केस का फैसला अब किनारे पर आ पहुंचा है और कभी भी हो सकता है। आपको पता है कानून और पुलिस ने करोड़ीमल मिल मालिक को और उसके चमचों को काफी तंग कर रखा है। फिर तो बाजी हमारे हाथ, एक बार मिल का केस सॉल्व हो जाए फिर हम हमारे साक्षरता मिशन को अर्श तक पहुंचा देंगे। साक्षरता मिशन हमारा है। और घर से घर। अच्छा अच्छा माता जी, अगर आपसे नहीं बोला जाता तो कोई बात नहीं, कल हम कॉपियां लाएंगे और फिर लिखना सिखाएंगे। मैडम जी, मैं तो आज भी कॉपी और पेंसिल साथ लाई हूँ। शाबाश कृष्णा, देखा आपने ये कितनी अच्छी लड़की है, पढ़ाई की कितनी लगन है इसके अंदर। माता कृष्णा, पढ़ाई की इतनी ही लगन अगर आप लोगों के अंदर आ जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी बस्ती का हर इंसान साक्षर हो जाएगा और अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और यही तो नेहरू जी और बापू जी का सपना था, और उन्होंने कहा भी है, एक पढ़ाए एक को, दो से बने फिर चार। दोहराइए, एक पढ़ाए एक को, दो से बने फिर चार। एक बार और दोहराइए, एक पढ़ाए एक को, दो से बने फिर चार। चलो हम हमारी क्लास में चलते। चलो चलिए, मैं आपकी बात पर अमल करूंगा। देखो बेटा सनी, संभल के रहना, कानून कानून ही होता है, जिसे हम कभी भी नहीं खरीद सकते। नीच और शक्ति दोनों जेल में हैं, कहीं हम भी ना फंस जाएं। कोर्ट का ऑर्डर तो हमें मानना ही पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि नन्नू का हाथ का मुआवजा जल्दी से जल्दी देकर मिल को चालू करें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। वैसे भी हमारी मिल का मामला सरकारी और गैर सरकारी संघों उछालने की तैयारी में है, इस
उससे पहले तूफान आए हमें समुंदर की खुशबू सूंघ लेनी चाहिए। मतलब ये कि नन्नू का हक हमें दे देना चाहिए। ठीक है रेडी, जैसे आपकी मर्जी। हालात के साथ हमें भी समझौता करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुनीम जो शक्ति की तरह हमें भी अंदर जाना पड़ेगा। नाइस बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। बुजुर्गों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज खुशी का ये दिन बड़ी मुश्किल से आया है। आज नन्नू जी के हाथ का मुआवजा मिलने का दिन तो है ही, साथ ही हमारी प्रौढ़ शिक्षा के आगाज का भी दिन है। दोस्तों, सेठ करोड़ी मल जी ने नन्नू जी के हाथ का मुआवजा अदा कर दिया है और सब मजदूर भाई काम पर भी जाने लगे हैं। तो आइए हम सब मिलकर ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि जिस प्रौढ़ शिक्षा का आगाज हमने किया है उसका सरंजाम भी हम ही करेंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहती हूँ। इस कामयाबी का सारा सहरा जाता है राजा के सर। राजा अगर हमारे लिए शहर से पढ़ लिख कर ना आया होता, उसने हमारे लिए इतनी दौड़ धूप ना की होती, तो न ही मजदूरों का हक उन्हें मिल पाता और न ही मिल का भला हो पाता। अंजना जी, भवानी, गीता जी और उनकी मम्मी श्रीमती मोहते जी, दोस्तों अगर ये सब हमारे साथ ना होते, हमारी मदद ना करते, तो कुछ भी नहीं हो सकता था, कुछ भी नहीं। मैं बहुत आभारी हूं आप सबका। आज मैं और मेरी बस्ती के सारे मिल मजदूर जो कुछ भी हैं, इन सब की वजह से। अरे सब तालियां ही बजाते रहोगे या हमें भी कुछ पढ़ाओगे? प्रौढ़ विद्यार्थी जिंदाबाद, प्रौढ़ विद्यार्थी जिंदाबाद, प्रौढ़ विद्यार्थी जिंदाबाद, विद्यार्थी। सनी, तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब ये मिल मैंने चालू की थी। तुम्हारी मम्मी मुझे हमेशा कहा करती थी कि आप बहुत मेहनती हैं, देखना आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। वो काम की हमेशा पूजा करती थी और मुझे प्रेरित करती रहती थी। रंजना के भी पैदा होने से पहले की बात है कि हमारी मिल दूसरी मिलों से दुगनी तरक्की पे थी। हमारा घर खुशियों से भरा हुआ था जब तुम पैदा हुए। तो इसका मतलब यह हुआ ना डैडी कि मैं आपके लिए लकी साबित हुआ? लकी तो तुम हो, लेकिन थोड़ा भटक गए हो। पहले पहले तो मुनीम जी भी ठीक ठाक रहे, लेकिन जब तुम शक्ति और मुनीम तुम तीनों की तिकड़ी जमने लगी तो हमारी मिल को नजर लग गई। उसका नतीजा तुम देख ही रहे हो। ठीक है रेडी, अगर ऐसी बात है तो मैं आज से ही अपने आप को बदल दूंगा और मैं अकेला ही इस पूरी मिल को चला कर दिखाऊंगा। नमस्ते सर जी। नमस्कार सर जी। बाबा और राजा बेटे, सब ठीक ठाक तो है ना जी? तुम्हारी सब परेशानियां मैंने दूर कर दी। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच सर जी। अब देखिएगा आप कि मिल में काम पहले से भी दुगना हो जाएगा। ये तो बेटे तुमने ही करवाना है, शाबाश। हेलो राजा, कैसे हो? ठीक हूँ, मेहरबानी आपकी सनी साहब। सनी साहब आप बेफिक्र हो जाएं, मिल का काम मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब सुनूंगा। अच्छा सर, चलते हैं सर। अच्छा ओके सर, चलो सनी बेटे चलो। नमस्ते बहन। मैडम जी ये 10 रुपए ले। हाँ, आपने कहा था ना कि हर महीने 10-10 रुपए जमा करेंगे ताकि बस्ती के किसी भी इंसान को
कोई मुसीबत आ जाए तो हम उसका मदद करेंगे। बहुत अच्छी बात है माता, माता जी ये लीजिए आपके हजार। आप पढ़ाई तो सीखेंगे। हाँ ये लो मेरी भी नर्सरी में रखे हो। नाम बताइए अपना। बहुत अच्छा नाम है। ये चंदा आप लोगों को अपने आड़े वक्त के लिए इकट्ठा करना ही है, और कल किसी की शादी ब्याह या गम या खुशी में इसकी जरूरत आप लोगों को पड़ सकती है। वैसे भी कुछ ही दिनों में आप लोग पढ़ लिख जाएंगे और बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रौढ़ शिक्षा का सारा खर्च हम और हमारी संस्था मिलकर देंगे, जिसमें रंजना, अंजना, भवानी जी और मैं कार्यकर्ता हूँ। राजा भी हमारे साथ ही होगा। हमारे साथ अरे मैं पढ़ना लिखना हमारा काम, हमको फल देगा देगा भगवान भगवान। अभी साथ साथ पढ़ेंगे एक साथ। पढ़ना लिखना हमारा काम, पढ़ना लिखना हमारा काम। क्या बात है, देखिए कितने जल्दी सीखे। हमको फल देगा भगवान, हमको फल देगा भगवान। अरे छोटे सरकार, मैंने आपका नमक खाया गुड़ नहीं, अब ये बताओ कि कब तक हमें जेल की हवा और खिलवाओगे? अरे मुनीम जी आप चिंता मत करो, हम जल्दी ही आपको यहाँ से छुड़वा लेंगे। मिल भी पूरे जोरों शोरों से चल रही है, बस मैं एक मौके की तलाश में हूँ। मस्त रहो। अरे क्या मस्त रहो यार, हमारी सारी मस्ती तो उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन हम अंदर बंद हुए थे। तू यार सनी एक बार हमें बाहर निकाल दे, फिर देखना मैं एक एक को घर घर में घुस के मारूंगा। मिलने का वक्त खत्म हुआ। शक्ति भाई भाई मुनीम जी जल्दी आना। सनी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलिए हटिए यहाँ से। मेरी एक प्रॉब्लम है यार, मेरा भाई वो मेरे सख्त खिलाफ है। मुझे जो पसंद है वो उसे पसंद नहीं, और उसे जो अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। समझ में नहीं आता क्या करूं, तू ही कुछ बता। देख रंजना कुछ करने की जरूरत नहीं, बस तुझे एक काम करना है, तू उनकी हाँ में हाँ मिला, उनकी किसी भी बात को काटने की कोई जरूरत ही नहीं। दूसरी तरफ हमारा प्रौढ़ शिक्षा का आगाज तो हो ही चुका है, तो बस अपने काम की तरफ देख। धीरे धीरे ये लोग भी तेरा विरोध करना यार छोड़ ही देंगे। यही तो मैं सोचती हूँ, अगर ये लोग मेरा इस तरह से विरोध करते रहे तो मेरा इस घर में जीना दूभर हो जाएगा। मैं तो सिर्फ मजदूरों का भला चाहती हूँ, मिल में सुधार चाहती हूँ। ये सब होगा तभी तो हमारा साक्षरता मिशन चरम सीमा तक पहुंचेगा। मैं प्रौढ़ शिक्षा को हर घर, हर गली, हर कूचे, हर इंसान तक पहुंचाना चाहती हूँ। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, इसलिए तो मैंने लेबर लॉ में डिप्लोमा करने के बावजूद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की। अरे इसीलिए तो मैं भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पास आ गई। रंजना मेरा विश्वास है तेरा संकल्प जरूर पूरा होगा। जब दिल में जोश और विचारों में पवित्रता हो तो इंसान आकाश गंगा के सितारों को छू ही लेता है। एक मिनट। हेलो। हाँ बेटी कैसी हो? अरे तुम्हारी सहेली अंजना कैसी है? मैं ठीक हूँ डैडी, अंजना भी ठीक है, यहीं पर है। कहिए क्या बात है? मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि मिल का काम अच्छी तरह से चल रहा है, संभाल ठीक तरह से बन रहा है। हाँ राजा बहुत होनहार लड़का बेटी, उसने सब संभाल लिया है, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। हाँ और घर पर ही रहना, खाना इकट्ठे खाएंगे। ओके डैडी जैसा आप बोले। थैंक यू वेरी मच डैडी, बाय।
क्या हुआ अंजना? नींद चालू हो गई। अरे और डैडी तो राजा का कौन हो? कमिश्नर अरे सनी बाबू आप आए ना बैठिए। अरे बबली तुम्हारे बाबा जेल में है ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ पैसे दे आऊं। ये लो 500 रुपए। सनी बाबू ये क्या कर रहे हैं आप? आप बड़े आदमी, आपकी शोभा नहीं देता। तुम्हें जिस दिन से देखा है ना मुझे नींद ही नहीं आई। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो बबली। सीता बेटे ये प्लेटें उठाओ और ठंडी स्वीडिश लेके आओ। बेटे हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी स्वीडिश मंगवाई है। कौन हो अंकल, ज्यादा खाऊंगी ना तो मोटी हो जाऊंगी बिल्कुल आपकी तरह। डैडी सनी अभी तक नहीं आया। मैंने उसे कहा तो था, क्या हुआ अपने दोस्तों के साथ? डैडी उसके ये दोस्त ठीक नहीं है। उसकी दोस्ती की वजह से एक दिन हमारा सारा परिवार मुसीबत में आ जाएगा। अंकल अब एक काम क्यों नहीं करते आप, सनी को कंट्रोल में क्यों नहीं करते? अरे बात तो तुम ठीक कह रही हो, ये काम अगर तुम करके दिखाओ तो तुम्हें मार देंगे। मैं? हां अच्छा ये बात है हाँ। तो ठीक है मैं उसे कंट्रोल में करती हूँ। हाय बेटा सनी। अरे मेरे बारे में बात हो रही थी ना? हाँ बेटे तुम्हें सुधारने के लिए बात कर रहे थे। क्या हालत बना रखी है बेटे तुमने? क्या 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 हालत बना रखी है मैंने? इसी ने भड़काया होगा आपको। क्या मैं नहीं जानता कि ये किस किस के साथ घूमती है और क्या क्या करती है? किस किस के साथ घूमती हूँ मैं और क्या क्या करती हूँ? राजा के साथ। राजा के साथ? क्या तुम उस गंदी बस्ती में झुकी में नहीं पड़ी रहती? हमारा आज तक जो भी नुकसान हुआ है ना वजह से हुआ डैडी, और ऊपर से इसने 1,00,000 रुपए नन्नू को दिलवा दिए। क्यों क्यों क्यों? क्या रिश्ता है इसका उसके साथ है? इंसानियत का रिश्ता? इंसानियत? बढ़िया है इंसानियत वाली। अंदर से पूछो और बाहर से पूछो। सनी अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। चलो मान लिया कि ये बुरी है खराब है, लेकिन कम से कम आप तो सुधर के दिखाइए। बात तो बहुत अच्छी कर लिए तो मैडम, तुम्हें मुझे सुधार दो। बात का बुरा नहीं मानना, वो है ही ऐसा। डैडी आपके लाड प्यार ने ही बचपन में ऐसे पढ़ने नहीं दिया, और अनपढ़ तो अनपढ़ों जैसे ही बात करेगा ना। चलो अंजना। यार वाकई सिचुएशन तो बहुत खराब है। आई डोंट नो तुम कैसे रहती हो इस घर में। रंजन तुम्हारा दम नहीं घुटता ऐसे माहौल में? तुम चीजों को टॉलरेट कैसे करती हो मुझे ये नहीं पता। अपनी कहूँ अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कब का ऐसा घर छोड़ छाड़ कर भाग जाती ना। उसने जो तोहमत मेरे ऊपर लगाई है उसकी जगह कोई और होता तो मैं उसे कभी माफ नहीं करती। रंजना रंजना आई जाती अगर तेरा राजा के साथ कोई चक्कर लगा है मेरा मतलब तू उसे लाइक करती है तो
तो साफ साफ क्यों नहीं कह देती? क्या लोग क्या बिगाड़ लेते यार? नहीं अंजना, ऐसी कोई बात नहीं। राजा के साथ मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। तू मेरा विश्वास कर, पढ़ा लिखा समझदार नौजवान है। मेरी और उसके विचार बहुत मेल खाते हैं। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो भी मजदूरों का भला चाहता है और मैं भी। अगर विचार मिल सकते हैं तो ये पागल दिल भी तो मिल सकता है। आखिर जिंदगी ऐसा। ठीक है ठीक है, अब तू सो जाए क्योंकि सुबह हमें बस्ती भी जाना है। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। जीती रहो बेटी, भगवान तेरी मनोकामना पूरी करे। जीती रह बेटी, इतने धार्मिक विचारों वाली लड़की हमें मिलेगी ये तो कभी हमने सोचा भी ना था। बेटी, जिस दिन से तू इस घर में आई है इस घर की तो काया ही पलट गई है। और तो और, हमारी कृष्णा भी तेरे ही गुण गाती रहती है। मुझे तो लगता है ये हमारी कृष्णा को भी एक दिन अपने ही जैसे पढ़ा लिखा देगी। अगर हमारी कृष्णा पढ़ी लिखी होती तो उसके ससुराल वाले ये रिश्ता कभी नहीं तोड़ते। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि कृष्णा एक दिन पढ़ लिख कर इतनी समझदार हो जाएगी, इतनी लायक हो जाएगी कि इसकी ससुराल वाले आकर खुद इसकी शादी की मिन्नतें करेंगे। अरे मानेंगे नहीं, मान गए हैं वो। कृष्णा के ससुराल से खबर आई है, वो लोग शादी के लिए तैयार हो गए हैं। रामू ने उन्हें मना लिया बाबा। सच? हाँ। हे भगवान। शक्ति बाबू, सच कहता हूं, मैंने सेठ जी का नमक खाया गुड़ नहीं। अरे मुझे तो अपनी बेटी की चिंता खाई जा रही है। मां का साया तो सर है नहीं, ले दे के एक मौसी है वही इसका सहारा है। वो अभी दो चार दिन के लिए इधर उधर चली जाती है। हाँ सनी बाबू, यकीनन खर्चा पानी तो दे ही रहे होंगे। उसको तो खर्चा मिल ही जाता होगा मुनीम जी, तुम अपने खर्चे की बात करो, हमें खर्चा कौन देगा? अरे शक्ति बाबू, बस एक बार मुझे यहां से निकल जाने दीजिए, फिर देखिए कैसे खर्चा पानी पैदा करता हूं। इस बार अगली पिछली सारी कसर निकाल लूंगा, चाहे मिल में ताला ही क्यों ना पड़ जाए। अरे मुझे अब शादी जो करनी है। शादी शादी शादी, जिस दिन से अंदर बंद हुए एक ही लाइन लगा रखी है, मेरी लड़की की शादी, मेरी लड़की की शादी। अरे यहां अंदर बंद हो गए, दम निकला जा रहा है। एक बार यहां से बाहर निकल जाओ फिर देखना, एक एक को घर घर में घुस के मारूंगा। राम घर आ, राम घर आ। एक बार फिर बोलो, राम घर आ। वेरी गुड, अब इसको लिखो, राम घर आ। राम घर आ। काम करना हमारा कर्म है। वापस बोलिए अपने आप, काम करना हमारा कर्म है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब लिखिए, पढ़ना लिखना हमारा धर्म है, काम करना हमारा कर्म। वेरी गुड लगन, लगता है अब ये लोग जल्दी सीख जाएंगे। लगन और ईमानदारी तो इनमें कूद कूद कर भरी हुई है। हाँ रंजना जी, पता नहीं लोगों को कैसा वहम है कि थॉट सीख नहीं सकते, पर थॉट तो जल्दी पिकअप करते हैं। मुझे तो पूरा यकीन है कि एक साल में पूर्णतः साक्षर हो जाएंगे। हाँ इंसान अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता।
आज मुझे यकीन हो गया कि हमारा साक्षरता मिशन अभियान जरूर पूरा होगा। बिल्कुल होगा ना? हाँ, होगा। अच्छा राजा, अब हम चलते हैं। हमने महिलाओं को कल का काम दे दिया है, आप भी इन्हें दे देना। हाँ, ओके, बाय। बाय। नमस्ते। ये लिखा आपने? हाँ दिखाइए। कल चाचा, हाँ वेरी गुड। नमस्ते सर जी। सर जी देखिए, मिल में पहले से काम दुगना हुआ कि नहीं? तुम्हारे होते हुए हमें किस बात की चिंता राजा? हमने सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा है, तुम खुद समझदार हो। राजा, मैंने सुना है कि रात को तुम बस्ती में मजदूरों को पढ़ना लिखना सिखाते हो। जी हाँ सेठ जी, वो मेरा शुरू से ही शौक रहा, और फिर जब मजदूर पढ़ लिख जाएंगे तो उसमें आपका भी तो फायदा होगा ना। वो कैसे? वैसे सनी साहब, जब मजदूर पढ़े लिखे होंगे तो कम से कम इतना हिसाब किताब तो लगा ही सकेंगे ना कि उन्होंने कितना काम किया है कितना नहीं। जितना तय किया था कहीं से कम तो नहीं रह गया इस तरह से। और उसके साथ साथ ये भी हिसाब लगा सके कि उन्हें कितने पैसे मिल रहे हैं और कितने नहीं, ताकि कल को अगर एक पैसा भी इधर से उधर हो जाए तो वो लोग फिर से हड़ताल कर दें। क्यों? चलिए ऐसा ही समझ लीजिए। देखिए, मेरा जो फर्ज है, जो मिशन मैंने शुरू किया है, उसे तो मैं पूरा करके रहूंगा। सेठ जी चलता। Yeah.